Hoping that your semester four was good, and now Abhi, we are going on a very important semester, important year, क्योंकि अभी application subjects चालू हो जाएंगे, जैसे computer networks है, DWM है, TCS है, you have probabilistic graphical model, internet programming, तो सिमिलरली ये सब सब्जेक्ट जो आप पढ़ोगे ESM में, इनके एप्लीकेशंस आप पढ़ना चालू करोगे फ्रॉम योर सेमेस्टर सिक्स. सो कंप्यूटर नेटवर्क, आज आज अगर दुनिया किधर चल रही है तो इट इज हैट्स ऑफ टू दी द वर्ल्ड ऑफ नेटवर्किंग. एंड वी बींग ऑन अ टेक्निकल साइड, वी बींग the contributor, we being the member जो हम लोग society के लिए कुछ करेंगे, तो we need to understand the basics of computer network, how exactly it works, and for the same we are here today for understanding the overall working principle of computer networks. So yes, sub instructions दूंगा with regards to notes. Everything, mark my words, everything will be there in your notebook. इसके लिए आपको एक अलग से notebook maintain करना है, and we will be writing everything. V-book में आपको notes मिलेगा ही, but we would be writing, we would be जो भी important diagrams है, जो मैं क्या बोल रहा हूँ, CN का सब कुछ आपको आपके notebook में मिलेगा, ठीक है. So maybe in next 2 minutes for sure we are starting. Still 48 and we are expecting more. So let's be thoda sa interactive. Someone can unmute and answer my question. Computer network, ये जो subject है, बहुत लोग को क्या लगता है पता है, सर ये subject ना बहुत theoretical है. बिल्कुल नहीं, subject theoretical नहीं है, ठीक है. Let me be very much clear, subject theoretical नहीं है, subject बहुत interesting है. एंड मेरा एक ही रिक्वेस्ट आएगा आप सब लोगों से, इंटरक्टिव रहो बस, ठीक है. जब भी क्वेश्चन पूछू, अनम्यूट आंसर, अनम्यूट आंसर, ठीक है. हम लोग बहुत धमाल करके सब्जेक्ट पढ़ेंगे, लर्निंग ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट. विल गो सिक्वेंशियली, चैप्टर वन से आई जंप टू 3, 4, 5, 6 एंड देन कम बैक टू 2. सो चैप्टर नंबर 2 विल बी द चैप्टर विच आई विल बी टेकिंग एट द एंड. सो आई विल बी लॉजिकली स्टार्टिंग विद चैप्टर 1, 3, 4, 5, 6 एंड देन 2. सो ये सब्जेक्ट्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट सेमेस्टर 6, 7, 8 में आपको लगने वाले हैं. सेमेस्टर 6 अगेन वी वुड मीट फॉर क्रिप्टोग्राफी एंड सिस्टम सिक्योरिटी, ठीक है. यस अनिरुद्ध, चैट बॉक्स विल डू, बट देन मेनी अ टाइम्स व्हेन आई विल बी ऑन शेयरिंग द स्क्रीन एंड आई विल बी ऑन वन नोट, पॉसिबली कुछ चैट्स अगर मिस हो गए, तो इसके लिए मैंने बोला कि इंटरक्टिव रहो, अनम्यूट करके आंसर दिया करो, ठीक है. सो लेट स्टार्ट. आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन एंड लेट मी नो वेदर माई स्क्रीन इज विजिबल. पहले मतलब एम आई ऑडिबल ना, राइट एवरी वन? यस, ऑडिबल, लाउड एंड क्लियर. यस 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 यस, थैंक यू यश. सो वेल एंड गुड, आई वेलकम यू ऑन ऑन बिहाफ ऑफ विद्यालंकर, एंड लेट्स स्टार्ट विद आर फर्स्ट लेक्चर. इंटरेस्टिंग. तो वॉट आई वॉन्ट इज, जैसे मैंने आपको बोला कि आई वॉन्ट आंसर्स, I want answers, ठीक है. एंड हम लोग ना वो जो आपका जो इंडेक्स पेज है ना, उसका जरा यूज करेंगे. हर मतलब आज लेक्चर वन है, तो लेक्चर वन ने क्या किया, इंडेक्स दीजिए कौन से पेज से कौन से पेज तक है. सो एग्जाम में एंड में आपको कोई टॉपिक देखना है ना, तो आपको पेज पलटते बैठना नहीं पड़ेगा. लुक एट द इंडेक्स, कौन से टॉपिक पे है, कौन से पेज में है, उधर जाओ और टॉपिक देख लो. So let's start. First and foremost, I unmute and answer.
कंप्यूटर नेटवर्क मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कंप्यूटर नेटवर्क? यस एनीवन? सर, जो हम कंप्यूटर्स यूज करते हैं वो जिस नेटवर्क से दूसरे कंप्यूटर्स या सर्वर्स या उनसे कनेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क, या जिस नेटवर्क से वो इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। ओके, तो जिस नेटवर्क से बोलने से अच्छा हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जिस माध्यम से, जिस मीडियम से, जिस इंटरफेस से वो बाहर कनेक्ट होते हैं, तो वो जो मीडियम है दैट एक्चुअली इज योर नेटवर्क। तो पहला क्वेश्चन मेरा आपके लिए है कि भाई कंप्यूटर नेटवर्क की क्या जरूरत है? व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क? सो कैन एनीवन आंसर व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क? क्या जरूरत है कंप्यूटर नेटवर्क की? टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। परफेक्ट आंसर, वेरी गुड। टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, टू एक्सचेंज रिसोर्सेस, टू एक्सचेंज डेटा, सो दैट दुनिया का कोई भी कोने का डिवाइस हो, दुनिया के कोई भी कोने में वो डेटा हो, वो हम इजीली कर रहे, दैट इज द इंटेंशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। सो कंप्यूटर नेटवर्क अगर मल्टी कलर क्योंकि डायग्राम्स के लिए अपने को आगे लगने वाले हैं, ठीक है। एंड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, व्हेनेवर आई से दैट वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर वाइवा, तो आप क्या करोगे? एग्जाम रेड पेन से मार्क करो, सो यू नो कौन सा पार्ट वाइवा और प्लेसमेंट इंटरव्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। सो योर वॉइस इज नॉट प्रॉपर, इट्स ब्रेकिंग अ लॉट, आई एम स्टॉपिंग इन बिटवीन। आई विल जस्ट स्विच टू माय अदर हॉटस्पॉट, गिव मी अ मिनट। Am I audible now? Yes. Yes. Yeah, thank you. Okay. So, अभी जब मैं कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बोल रहा हूं, सबसे पहली चीज जो हम लोग देखेंगे वो है डेफिनेशन। किसका डेफिनेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे? बट ऑब्वियसली आई विल बी टॉकिंग अबाउट डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। सो व्हेन आई एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन योर सीएन, एवरी आंसर वुड बी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैप्ड विद द डायग्राम, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैप डायग्राम, ठीक है। तो अभी कंप्यूटर नेटवर्क का अगर मैं ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करूं, इट इज कलेक्शन ऑफ मशीन्स। So this is a machine A, this is machine B, this is machine C. Connected to each in such a way that they can communicate with each other is the definition of computer network. So what do you mean by the what do you mean by computer network? Collection of machines connected to each other in such a way that every machine will be able to communicate with every other machine, usko hum log kehte hai computer network. So tell me, can A communicate with B? Yes sir. Can B communicate with C? Yes sir. Can C communicate with A? Yes sir. And agar khuda na khasta A aur C ke bich mein ka connection agar tud
है, टेल मी क्या स्टिल ए और सी एक दूसरे से बात कर पाएंगे? यस, कैसे कर पाएंगे? वाया बी. एम आई क्लियर एवरीवन? इज द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क क्लियर? यस और नो? यस, यस सर. सो प्लीज गिव द हेडिंग एज चैप्टर नंबर वन इंट्रोडक्शन. चैप्टर नंबर वन इंट्रोडक्शन, एंड वहां पे लिखिए डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. उसमें लिखिए कलेक्शन ऑफ मशीन्स. कलेक्शन ऑफ मशीन्स कनेक्ट ईच अदर. कलेक्शन ऑफ मशीन्स कनेक्टेड टू ईच अदर इन सच अ वे दैट. कलेक्शन ऑफ मशीन्स कनेक्ट टू ईच अदर इन सच अ वे दैट दे कैन कॉम्युनिकेट विथ ईच अदर. In such a way that they can communicate with each other is known as a computer network. In such a way that they can communicate with each other is known as a computer network. Can you repeat after? Okay. Is such. In such a way that they can communicate with each other is known as a computer network. Or ye diagram draw. Complete this diagram. हो गया? शैल आई प्रोसीड? यस सर. ओके ओके. नाउ मैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा. मार्केट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू. फर्स्ट आई नीड टू मेक यू अंडरस्टैंड इज टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. सबसे पहले कोई भी नेटवर्किंग चीज पढ़ने के पहले अपने को टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड वेज ऑफ कम्युनिकेशन अंडरस्टैंड करना होता है. तो लेट मी फर्स्ट मेक यू अंडरस्टैंड. इफ यू सी दिस इज डिवाइस ए एंड नेटवर्क में आपके पास है डिवाइस बी, आपके पास है डिवाइस सी, आपके पास है डिवाइस डी. ठीक है? एंड आई सिंपली रेप्लीकेट दिस डायग्राम. ओके तो अभी दिस सेकेंड टाइप, दिस विल बी योर थर्ड टाइप. नाउ पे अटेंशन. जब जब ए सिर्फ और सिर्फ सी से बात कर रहा है, सो ए इज राइट नाउ ओनली कम्युनिकेटिंग सी, आई वुड से दैट सच कम्युनिकेशन इज नोन एज यूनिकास्ट कम्युनिकेशन, ऑल्सो नोन एज 1-to-1. Also known as 1-to-1. But when A is communicating with B as well as it is communicating with D, but it is not communicating with all, neither it is communicating with only one, such communication, so we call it as multicast communication, also known as 1-to-many. And जब A is communicating with all the devices in the network, I will call this as broadcast communication. क्या नाम इसको? We will be calling it as broadcast communication. So मैं इधर लिखता हूं
broadcast, and broadcast is one to all. So what is broadcast? Broadcast is one to all. So किसी ने आपको पूछा भाई what are the types of communication, so you should be able to answer. It is unicast, multicast and broadcast. So what exactly is unicast? If and only if मुझे कोई एक student को message pass on करना है, then I will use the concept unicast. अगर मुझे pass on करना है message to students of Vidyalankar, students of Shyan Anchor, students of Thadumal, in that case I will use multicast. And when I want to make a general announcement for all the student, I will go for a broadcast. So broadcast ka sabse one to all. But we understood right now what are the types of communication. Also need to understand the second part, what are the ways of communication. Again, ways of communication are very, very important for your viva. So basically there are two ways of communication. Number one, hum log kehte hain, and number two, hum log usko kehte hain duplex. Sir, simplex matlab kya? Simplex ka matlab hota hai one way communication. And duplex matlab kya? Duplex ka matlab hota hai two way communication. So when I am right now giving you an example of a simplex, try and understand. Device A can interact with device B, but pure life mein device B can never interact with device A. So the communication is only one way. Communication is only one way. So iska example is nothing but your radio, your television, where only one device with other device. But when I'm talking about duplex communication is divided into a half duplex concept and a full duplex concept. Now what exactly is half duplex? Half duplex ka matlab hota hai one at a time. And full duplex ka matlab hota hai both at a time. Now what do you mean by half duplex? Jab A B se baat kar raha hai, B A se baat nahi kar payega. Aur jab B A se baat kar raha hai, to A B se baat nahi kar payega. And iska example is nothing but you might be aware of walkie-talkie. Theek hai, it is an example of half duplex communication where only one device can communicate with another device at a given point of time. So I hope aapko half duplex ka example samjha hai. Now what exactly is full duplex? फुल ड्यूप्लेक्स का मतलब है जब ए बी से बात कर रहा है बी भी ए कर पाएगा. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फुल ड्यूप्लेक्स विच इज नथिंग बट आवर टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम. तो उसमें अपना फोन आता है, उसमें सिस्टम आता है, बोथ द डिवाइस एक दूसरे से सेम समय पे बात कर सकते हैं. दैट इज नोन एज फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन. So which both devices can you name them again? One I heard phone, another is a phone or messaging system. So when I'm sending you a WhatsApp, you can also write me a message point of time. When I'm making you a call, you can also call. Or when I'm talking to you on a phone, main bhi baat kar sakta hu aur tum bhi baat kar sakte ho. So that is actually an example of a full duplex communication. Is this clear? Yes, sir. Sir, your voice is breaking again in between. Some words are missing. I don't know exactly, but I'll just get my connectivity. Anyway, concept clear hai? Bit with types of communication and ways of communication, everyone? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, please take down
types of communication and ways of communication आपके स्क्रीन पे दिख रहा है. I would request screenshot मत लो. I would request कि पूरा का पूरा के ले लो. ठीक है, I'll try switching the video off. Possibly some bandwidth issue due to rains, but then it generally never happens. I don't know. I'll just try to correct it on priority. Chalo, till then complete this. Types of communication and ways of communication. Just let me know once complete. Yes, sir. Done, sir.
अरे आंसर दिया करो, और इफ आई से लेट्स स्टार्ट एंड आपका कंप्लीट नहीं हुआ है तो ठीक है चलो। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बता रहा हूं, द कॉन्सेप्ट सेज व्हाट इज इंट्रानेट, व्हाट इज इंटरनेट एंड व्हाट इज एक्स्ट्रानेट। सो इंट्रानेट क्या है, इंटरनेट क्या है और एक्स्ट्रानेट क्या है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस थ्री डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, इंट्रानेट, इंटरनेट एंड एक्स्ट्रानेट। तो जब मैं बात कर रहा हूं अबाउट इंट्रानेट, इंटरनेट एंड एक्स्ट्रानेट, फर्स्ट लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड कि सबसे पहले दिस इज अज्यूम्ड अ प्राइवेट नेटवर्क, से अ नेटवर्क ऑफ एबीसी कंपनी, ठीक है। सो दिस इज, सो व्हेन आई राइट एन स्लैश डब्ल्यू इट इंडिकेट्स नेटवर्क। नाउ इन दिस नेटवर्क देयर इज अ डेटाबेस व्हिच इज बीइंग एक्सेसिबल। तो यहां पे नेटवर्क पे हम लोग ने डेटाबेस डाल के रखा है। अगर आपको इस डेटाबेस को एक्सेस करना है तो आपको कंपलसरीली उस कंपनी में जाना पड़ेगा, फिजिकली उस कंपनी में जाके देन एंड देन ओनली देन यू आर एबल टू एक्सेस दैट डेटाबेस। सो आप को फिजिकली इस नेटवर्क के अंदर आना पड़ेगा। से दस ऑफिस इज लोकेटेड एट दादर, देन एवरीवन हु वांट्स टू एक्सेस दिस क्रिटिकल डेटाबेस हैज टू फिजिकली कम टू दादर, दादर के ऑफिस के नेटवर्क को कनेक्ट करो एंड ओनली देन यू आर एबल टू एक्सेस दैट डेटाबेस। तो ये जो छोटा सा नेटवर्क फॉर्म हुआ ऑफ सेट ऑफ एम्प्लॉयज हु आर ट्राइंग टू एक्सेस द डेटा फिजिकली कमिंग इन दैट पर्टिकुलर नेटवर्क ओनली, मतलब एनी डेटा कैनॉट गो आउटसाइड दादर एंड एनी डेटा कमिंग टू दादर cannot be entered in the Dadar network until and unless it is a valid employee. So, भाई ये जो network बनता है इसको हम लोग कहते हैं intranet. So, can anyone define what is a intranet? Intranet is a private network. And anyone who wants to access the resource from that private network should physically come and connect in that particular network and then and only then you are able to access the data. So this is known as intranet. ठीक है, assume करो ये ABC company एक ऐसा company है जो कुछ online product sell करता है, ठीक है, like an Amazon. तो intranet क्या करेगा, आपके एम्प्लॉय को बैकएंड में पूरे एबीसी के वेबसाइट को चेंज वेंज करने को देगा, डेटाबेस को चेंज वेंज करने को देगा, बट मेजॉरिटी ऑफ द यूजर जो इसको एक्सेस करेंगे वो कौन रहेंगे, वो रहेंगे वो यूजर्स विच आर कनेक्टिंग फ्रॉम सम अदर नेटवर्क, विच आर कनेक्टिंग फ्रॉम सम अदर नेटवर्क। तो ये फ्रॉम अदर नेटवर्क जो है अज्यूम करो दिस इज अ पब्लिक नेटवर्क एंड यहां से एक क्लाइंट इज ट्राइंग टू एक्सेस द नेटवर्क ऑफ द एबीसी कंपनी। तो ये जो फॉर्म होता है ना, दिस इज एक्चुअली नोन एज इंटरनेट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल दिस एज इंटरनेट। सो पब्लिक यूजर्स एक्सेसिंग द डेटाबेस ऑफ एबीसी कंपनी, बट कैन यू टेल मी, प्लीज अनम्यूट एंड आंसर,
इनके पास उस डेटाबेस मॉडिफाई करने के राइट्स रहेंगे कि राइट्स नहीं रहेंगे? नहीं रहेंगे सर, नहीं रहेंगे। मतलब ये सिर्फ डेटाबेस को रीड कर सकते हैं, बट डेटाबेस को मॉडिफाई या डेटाबेस का कंटेंट डिलीट नहीं कर सकते हैं। इज दिस क्लियर एवरीवन? बट इन दिस पब्लिक नेटवर्क देर आर फ्यू यूजर्स जो तुम्हारे पब्लिक से ज्यादा प्रायोरिटी पे है पर तुम्हारे एम्प्लॉय से कम प्रायोरिटी पे है। फॉर एग्जाम्पल, एमेजॉन के पास जो सप्लायर रहता है, आप अगर कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो और वो प्रोडक्ट उसके पास सिर्फ 5 आइटम्स है, आपने ऑर्डर किया, इमीडिएटली सप्लायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है डेटाबेस में चेंज करना कि अभी 4 ही प्रोडक्ट बाकी है। तो आपको बहुत बार दिखता है ओनली 4 इन स्टॉक, ओनली 2 इन स्टॉक, ओनली 1 इन स्टॉक, और वो भी ज्यादा है तो आपको लिख के आता है आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ स्टॉक। तो अभी ये जो बंदे हैं इनके पास थोड़ा सा ज्यादा प्रिविलेजेस है। तो ये कौन बंदे जिनके पास थोड़ा सा ज्यादा प्रिविलेजेस है देन नॉर्मल यूजर्स? तो वो फॉर्म होता है तुम्हारा सप्लायर्स। तो सप्लायर थोड़ी अमेज़न के कंपनी में जाएगा, अमेज़न के कंपनी के नेटवर्क को कनेक्ट करेगा, अमेज़न के नेटवर्क को कनेक्ट करने के बाद डेटाबेस को मॉडिफाई करेगा। तो सप्लायर बोलेगा पहाड़ पे जाओ, मेरे को अमेज़न में बिजनेस ही नहीं करना है। तो इसीलिए तुम्हारा जो सप्लायर है विल बी एबल टू एक्सेस दिस नेटवर्क इनडायरेक्टली द डेटाबेस। ठीक है, कैन यू टेल मी with more privileges या less privileges as compared to आम इंसान? More privileges but less privileges as compared to the employee of that company। तो ये जो form होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं extranet। ठीक है, पीपल हु आर नॉट एन एम्प्लॉई बट हैव हायर प्रिविलेजेस, एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस एज कंपेयर टू नॉर्मल इंटरनेट यूजर, उसको हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रानेट। तो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्स्ट्रानेट हियर? मैं यहां पे लिखता हूं, दे आर व्हाट? दे आर योर सप्लायर्स। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ द पीपल हु आर एक्सेसिंग द नेटवर्क फ्रॉम द कंपनी? मैं यहां पे एग्जांपल लिखूंगा, दे आर योर employees, and ये जो red में मैंने बनाया है, these are nothing but normal users। ठीक है, so can you tell me who has the highest privilege, highest priority? Employees। Very good। तो मैं यहां पर लिखता हूं highest priority employees। ठीक है, कैन यू टेल मी क्या कर सकते हैं वो डेटाबेस के साथ? रीड, राइट, डिलीट। डू यू अग्री? रीड, राइट, डिलीट। अच्छा, हु हैज द लोएस्ट प्रायोरिटी, एकदम लोएस्ट प्रायोरिटी? यूजर, नॉर्मल यूजर। सो लोएस्ट प्रायोरिटी गोज टू द नॉर्मल यूजर। So they can only read. Perfect answer. And who has the mixed priority, neither high nor low? Suppliers. So यहाँ पे मैं लिखता हूँ medium priority. They are nothing but your suppliers. So they have read access. They have update. Access. ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स, दे हैव राइट एक्सेस, दे हैव डिलीट एक्सेस, बट मैं यहां पे लिखता हूं नॉट ऑन एंटायर डेटाबेस, एंड यहां पे मैं लिखता हूं दे हैव ऑन एंटायर डेटाबेस। इज दिस क्लियर? दोनों में डिफरेंस?
ठीक है भाई मेरे को आंसर दो, इंटरनेट इंट्रानेट एंड एक्सट्रानेट सब लोगों को समझा क्या एवरीवन? यस, इंट्रानेट मतलब क्या? आप यू आर फ्रॉम विच कॉलेज मैडम? के जे सोमाया साहब ने अज्यूम करो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एक डेटाबेस बनाया और उस थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के डेटाबेस के लिए सब डेटा उसके अंदर डाल के रखा, ठीक है। नाउ यू टेल मी ये डेटाबेस कौन बनाएगा? टीचर्स बनाएंगे। तो टीचर्स हैज टू फिजिकली गो टू दी कॉलेज, कनेक्ट टू दी केजे सोमाया साइन के कॉलेज के नेटवर्क को एंड अपडेट द एंटायर रिपोजिटरी फॉर यू ऑल। ये होता है इंट्रानेट, ठीक है। नाउ इफ दोज टीचर्स गो होम एंड ट्राई टू मॉडिफाई द कंटेंट, दे विल नॉट बी एबल टू मॉडिफाई बिकॉज दे आर नॉट इन दैट पर्टिकुलर नेटवर्क। सो यू पीपल सिटिंग एट होम एंजॉय द प्रिविलेजेस ऑफ एक्सेसिंग ऑल द डेटाबेस। सो यू आर फॉर्मिंग अ यूजर्स नोन एज नॉर्मल यूजर्स, जो इंटरनेट है उससे आप डेटा एक्सेस कर सकते हो, बट यू कैन ओनली डाउनलोड इट, यू कैन ओनली व्यू इट, यू कैन मॉडिफाई इट। बट पैंडेमिक आ गया, बहुत बार टीचर्स कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, तो इन दैट केस जो टीचर्स कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं उनको थोड़ा सा हाई प्रिविलेजेस दिया और बोला कि भाई तुम घर से इंटरनेट के द्वारा डेटाबेस को मॉडिफाई कर सकते हो, सो दे हैव मोर प्रिविलेजेस एज कंपेयर टू यू ऑल, तो दैट इज नोन एज एक्सट्रानेट। अभी क्लियर हुआ? यस सर, थैंक यू। सो कैन यू डिफाइन व्हाट इज इंट्रानेट? इंट्रानेट इज अ पब्लिक नेटवर्क या प्राइवेट नेटवर्क? प्राइवेट नेटवर्क। तो कम्युनिकेशन कहां होगा? विद इन द नेटवर्क या आउटसाइड द नेटवर्क? व्हेन आई टॉक अबाउट इंट्रानेट, विद इन या आउटसाइड? वेरी गुड, विद इन। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट इंटरनेट, विल इट बी अ प्राइवेट नेटवर्क और इट विल बी अ पब्लिक नेटवर्क? पब्लिक नेटवर्क। सो इट विल बी अ पब्लिक नेटवर्क, कम्युनिकेशन कहां होगा? विद इन द नेटवर्क या इवन आउटसाइड द नेटवर्क? आउटसाइड। Both within as well as outside. And when I call about an extranet, it is nothing but the users which are part of internet, but they have more privileges than internet users. So those users form what? Extranet. Is this clear, each and every one of you in the class? I want answer from everyone. Usi ke baad mein aage badhunga. Yes, sir. किसी को कुछ भी डाउट है? यस, एनीवन हैज एनी डाउट गाइस? नो सर। ओके, सो अगर मैं आपको इसका डायग्राम बताऊं जो आपको बहुत बार इंटरनेट पे दिखेगा, तो नाउ ये इंटरनेट का डायग्राम यू कैन रिलेट आफ्टर माय एक्सप्लेनेशन, ठीक है। सो दिस इज द डायग्राम दैट टॉक्स अबाउट व्हाट इज इंटरनेट, व्हाट इज इंट्रानेट एंड व्हाट इज एक्सट्रानेट। सो इफ यू सी ओनली द कंपनी, इट इज इंट्रानेट। इफ यू सी द सप्लायर्स, सम कस्टमर्स एंड कोलैबोरेटर्स, दे आर फॉर्मिंग एक्सट्रानेट, एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दे आर फॉर्मिंग इंटरनेट। इज दिस क्लियर एवरीवन? So yes. write down internet, intranet, internet and extranet. Internet, intranet and extranet. ठीक है, यहां पे मैंने डेफिनेशन भी दिया है, तो मैं जरा स्क्रीन को थोड़ा जूम आउट कर देता हूं। Give me a minute.
चलो कंप्लीटेड. यू कैन ऑल्सो सी द डेफिनेशन. What is internet, what is intranet, and what is extranet. So complete everything what you see on your screen. I'll give you 5 minutes to do that. Sir, even the diagram that you made. मैंने बनाया वही डायग्राम ड्रॉ करो और ये जो डेफिनेशन आपको दिख रहा है ये आप डेफिनेशन लिख दो. सेकेंड डायग्राम ऑप्शनल है, मतलब फर्स्ट डायग्राम समझा तो ये जो इंटरनेट पे अवेलेबल वाला डायग्राम वो बनाने की जरूरत नहीं. सो मैं डिलीट ही कर देता हूं. चलो Let me know once complete. ओके प्लीज क्विकली अनम्यूट एंड आंसर. सबको समझ रहा है ना एवरीवन? यस यस सर. यस सर. सो होपिंग दैट हुआ है, क्योंकि किसी ने आंसर नहीं दिया कि कंप्लीट नहीं हुआ है. आई अज्यूम दैट आपका कंप्लीट हो चुका है. एंड लेट अस नाउ कंटिन्यू विथ स्टिल राइटिंग. ओके कंप्लीट इट फर्स्ट. अच्छा चैप्टर नंबर 3-4 पूरे सम्स है. चैप्टर नंबर 3 और 4 में ठीक है, भर भर के सम्स है. सो प्लीज बी डोंट बी अंडर द इम्प्रेशन की इट इज अ थियोरेटिकल, इट इज कॉन्सेप्चुअल एंड इसमें बहुत सारे सम्स है स्पेसिफिकली इन चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4.
Shall we proceed? चलो नेक्स्ट जो अपने को अभी अंडरस्टैंड करना है वो है बिफोर आई प्रोसीड विथ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट नेटवर्किंग डिवाइसेस. So right now we'll be understanding different networking devices. सबसे पहला मैं पुराने जमाने में जाऊंगा and I will talk about a device that you might have heard about, modem. Now modem, which stands for modulator and a demodulator. What was the responsibility of modem? पहले क्या होता था, पहले जो तुम्हारा इंटरनेट कनेक्शन होता था ना वो टेलीफोन लाइन से आता था. सो वो टेलीफोन लाइन से इंटरनेट कनेक्शन आता था, ठीक है. इट वन लाइन यूज टू गो टू योर टेलीफोन कनेक्शन एंड द अदर लाइन यूज टू बी गोइंग टू योर पीसी. बट प्रॉब्लम क्या था, बिफोर टेकिंग इट टू योर कंप्यूटर, टू योर पीसी, टू योर लैपटॉप, वॉट एवर सिग्नल वॉज कमिंग, ये सिग्नल जो भी आ रहा था, दिस सिग्नल वॉज एनालॉग इन नेचर. एंड यू नो दैट योर कंप्यूटर सिस्टम डजंट अंडरस्टैंड एनालॉग वर्ल्ड, इट इज अ डिजिटल सिस्टम. It only understands zeros and ones, and hence I require this device known as a modem. The responsibility of modem was to convert this analog signal into a digital signal. तो अल्टीमेटली जो पीसी को मिलता था वो था 0 0 1 0 1 1 0 dot 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 dot. So modem was the entity that used to convert this analog signal to digital signal, and while going out it was a modem which was converting a digital signal to analog signal. So modem, which is your modulator demodulator, actually contains ADC and DAC, analog to digital converter and digital to analog converter. But then when entire thing went into a digital world, apne ko modem ka requirement kam ho gaya, I would say band ho gaya. And wo requirement aajkal kisi ne replace agar kiya hai to wo device aapko pata hai, that device is known as a router. बट राउटर के ऊपर जरा मैं बाद में आता हूं. मैं आता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस के पास, उस डिवाइस का नाम है हब. अब बोलोगे सर हब करता क्या है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड हब. हब मतलब सेंट्रली सब डिवाइसेस को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कनेक्ट करना. तो अगर मैं आपको हब का आर्किटेक्चर बताऊं, तो दिस इज योर डिवाइस ए, दिस इज योर डिवाइस बी, दिस इज योर डिवाइस सी, एंड दिस इज योर डिवाइस डी, एंड दे ऑल विल बी कनेक्टेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ अ डिवाइस नोन एज हब, एंड दिस विल बी द कनेक्शन. दिस इज हाउ द हब कनेक्शन लुक्स लाइक. आप बोलोगे सर एक्चुअल में जो हब है वो कैसे दिखता है. सो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में आपका जो हब है हाउ एग्जैक्टली इट लुक्स. सो आई विल शो यू, तुम्हारा हब एक्चुअली कुछ ऐसे दिखता है. तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये दिस आर नोन एज पोर्ट्स, दिस आर नोन एज पोर्ट्स. सो ये क्या करता है,
इंटरनेट कनेक्शन एक पोर्ट से लेता है और सब डिवाइसेस जो तुम्हारे हब को कनेक्टेड है उनको इंटरनेट कनेक्शन आगे फॉरवर्ड कर देता है। तो लॉजिकली स्पीकिंग, कैन एनीवन टेल मी ए टू सी कम्युनिकेशन कैसे होगा? ए टू हब, हब टू सी। पर तुम्हारे हब में ना एक छोटा सा प्रॉब्लम है। अब बोलोगे सर क्या प्रॉब्लम है हब में? हब में प्रॉब्लम देखो क्या है। चलो इधर मैंने एक पैकेट बनाया, ये पैकेट जाना चाहिए ए टू सी। तो ये पहले पैकेट किसके पास जाएगा? ये पहले पैकेट जाएगा हब के पास। और फिर तुम्हारा हब क्या करेगा? ये पैकेट स्टेप नंबर टू में सबको भेजेगा, सबको। मतलब दिस पैकेट विल गो टू डी, दिस पैकेट विल गो टू सी, दिस पैकेट विल गो टू ए, सॉरी बी। टेल मी ये पैकेट सिर्फ किसके पास जाना चाहिए था? आंसर सी। पर ये पैकेट गया सब लोगों के पास, तो सब इसको डिस्कार्ड करेंगे, सब इसको डिस्कार्ड करेंगे, सिर्फ एक उसको एक्सेप्ट करेगा। कौन रहेगा वो एक जो इसको एक्सेप्ट करेगा, बताओ जरा? सी। सी रहेगा, क्योंकि ए ने उधर लिखा है कि ये पैकेट सी के लिए। तो सिर्फ इस पैकेट को किसने एक्सेप्ट किया? सी ने एक्सेप्ट किया। पर खुदा ना खास्ता अगर तुम्हारा डी अटैकर है, अगर तुम्हारा डी चीटर है, अगर तुम्हारा डी हैकर है, एंड अगर डी ने उस पैकेट को रिजेक्ट नहीं किया, उस पैकेट को एक्सेप्ट किया, कैन आई से जो मैसेज ए ने सी को भेजा था वो डी को भी पता चलेगा? डू यू अग्री विथ दिस? यस और नो? यस। तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? ये जो हो रहा है ये अच्छी बात है या ये बुरी बात है? बुरी बात है। इसके लिए हम हब को क्या कहते हैं पता है? वी कॉल हब एज अ डंब डिवाइस। वी कॉल हब एज अ डंब डिवाइस। और इसका प्रॉब्लम अगर किसने, इसका प्रॉब्लम अगर किसने रेक्टिफाई किया है, तो उस डिवाइस का नाम है स्विच। ठीक है, स्विच का आर्किटेक्चर इज सिमिलर टू हब। मतलब इधर ए, इधर बी, सॉरी इधर बी, इधर सी और इधर डी, और बीच में अभी हब नहीं रहेगा, अभी रहेगा स्विच और ऐसा कनेक्शन। ठीक है, स्विच एंड हब बोथ आर सेम, दिखते भी ऐसे ही दिखते हैं। इवन योर स्विच लुक्स लाइक सिमिलर टू योर हब, बट दोनों में एक डिफरेंस है दोस्तों। क्या डिफरेंस है? तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो मैंने डॉट्स ड्रॉ किए, ठीक है, दिस इज योर I1, I2, I3, I4। आप बोलोगे सर व्हाट इज दिस I1, I2, I3, I4? दे आर कॉल्ड एज इंटरफेसेस। एंड आपको पता है स्विच के पास एक होता है टेबल। स्विच मेंटेन्स वन टेबल, तो वो टेबल मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। उस टेबल में होता है डिवाइस और इस टेबल में होता है इंटरफेस। तो अपने पास कितने डिवाइस है? ए बी सी डी, चार डिवाइसेस है। तो ए किसको कनेक्टेड है? I1। बी किसको कनेक्टेड है? I2। सी किसको कनेक्टेड है? I3। डी किसको कनेक्टेड है? I4। एंड दिस टेबल इज नाउ मेंटेन्ड बाय हूम? दिस टेबल इज मेंटेन्ड बाय योर स्विच। सो नाउ ऊपर से जो भी पैकेट आएगा, तो मेरे को बात बताओ, ए ने एक पैकेट बनाया, कैन यू टेल मी दिस पैकेट इज फॉर होम? इट इज फॉर सी। सो नाउ ए सेंड्स दिस पैकेट टू स्विच। स्विच विल नाउ गो इन दिस टेबल
check where C is connected and will now forward the data only to interface I3, matlab the data will be now delivered only to the intended machine. It is not going to forward it to all. And due to this nature, we call switch as intelligent hub. Matlab switch is nothing but hub, but it is intelligent in nature. Why it is intelligent in nature? Because it is forwarding the data only to the device जिसके पास वो जाना चाहिए. सो डिड यू अंडरस्टैंड वॉट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस बिटवीन हब एंड अ स्विच? यस और नो? यस सर. यस. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर वाइवा. मैं अभी बता रहा हूं. अच्छा चलो, मैं अभी आगे बढ़ता हूं और आगे बढ़ के मैं बात करता हूं अबाउट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस, डिवाइस नंबर 4. That device is known as router. Now, आपने ये वर्ड सुना ही रहेगा router. I believe सबके घर पे ये डिवाइस रहेगा आजकल. And नहीं रहेगा तो तुम्हारे मोबाइल फोन को जब तुम हॉटस्पॉट सेट करते हो, योर मोबाइल फोन एक्ट एज अ राउटर. तो आप बोलोगे सर राउटर का काम क्या है? राउटर का काम है पैकेट एक जगह से लेना एंड नेक्स्ट स्टॉप तक पहुंचा देना. नेक्स्ट डेस्टिनेशन नहीं रे बाबा. तो मेरे को बोलो अगर दादर से कुर्ला जाना है, अगर मैं दादर स्टेशन जाता हूं, मैं ट्रेन पकड़ता हूं, तो राउटर का काम रहेगा पैकेट को माटुंगा में डिलीवर करने का. फिर माटुंगा के राउटर का काम रहेगा पैकेट को सायन में डिलीवर करने का. एंड फिर सायन के राउटर का काम रहेगा पैकेट को कुर्ला में डिलीवर करने का. इज दिस क्लियर? राउटर का काम होता है पैकेट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कनेक्ट करना. तो अगर मैं राउटर का आर्किटेक्चर बनाऊं तो से दिस इज डिवाइस ए एंड दिस इज डिवाइस बी. ए मेरा डिवाइस है, बी तुम्हारा डिवाइस है. ठीक है, ए मेरा डिवाइस है, बी तुम्हारा डिवाइस है. और यहां पे मैं लिखता हूं आर ए, ये मेरा राउटर है. आर बी, ये तुम्हारा राउटर है. ठीक है, बट मेरा राउटर तुम्हारे राउटर को कनेक्टेड रहेगा वाया सेट ऑफ राउटर्स इन द इंटरनेट. तो ये जो होता है ना, this is known as the working principle of router. I believe आपको पता चला है. Tell me, अगर A को B को packet forward करना है तो A पहले R A को देगा, R A R 1 को देगा, R 1 R 2 को देगा, R 2 R 3 को देगा, R 3 R 4 को देगा, R 4 R B को देगा, and finally the packet will be delivered to B. Is this clear how your router works? Yes, every one of you, राउटर काम कैसे करता है समझा ना सब लोगों को. Yes, yes, ठीक है. राउटर दिखता कैसे है? तो राउटर कुछ ऐसे दिखता है. दिस इज योर वाईफाई वायरलेस राउटर. ठीक है, ये जो ग्रीन कलर का पोर्ट है ना, ग्रीन कलर का पोर्ट, दिस इज योर RJ45 कनेक्टर. ठीक है, इसका काम रहता है इनपुट लेना. और ये जो चार पोर्ट्स आपको दिख रहे हैं, ये चार पोर्ट्स, ये तुम्हारे आउटपुट पोर्ट है. एंड ये तुम्हारा एंटीना है जो तुम्हारे वाईफाई के फ्रीक्वेंसी को बाहर फेंकेगा एंड तुम उस फ्रीक्वेंसी को कनेक्ट करके इंटरनेट पे कनेक्ट हो जाओगे. इज दिस क्लियर हाउ योर राउटर वर्क्स? यस और नो? यस. ओके चलो जरा आगे बढ़ते हैं. हाँ बोल. व्हाट अबाउट द पर्सन हु इज नॉट कनेक्टेड टू अ राउटर? फॉर एग्जांपल, इफ आई एम कनेक्टेड टू अ राउटर एंड आई एम सेंडिंग अ व्हाट्सएप मैसेज पर्सन इन फ्रंट इज नॉट कनेक्टेड टू अ राउटर बट इज यूजिंग मोबाइल डेटा. एग्जैक्टली. सो व्हाट हैपेंस इज,
you from your laptop, from your mobile, the data will go to your router. From your router, it will be routed through one network to another network. So if your friend is using Airtel, so tumhara jo data hai wo Airtel ke tower ke paas jayega, aur Airtel ke tower se mobile communication ka concept hota hai. Mobile communication abhi hum log thoda wired and basic wireless dekh rahe hai. Next semester mein mobile communication pe jab focus karoge, that time you will understand how internet service provider sends the data to the mobile tower and how you get the data from the mobile tower. Is this clear? Yes, sir. So, अभी हाँ ये जो आपने बीच में इतने सारे राउटर बताए, हाँ, ये डेटा सर कैसे जाता है? For example, I have a friend sitting in some other country. Right. I'm sending him a message. Right. So assume करो you are sitting in India and your friend is somewhere in US. ठीक है? Assume you are right now on a wireless network, he is on a wired network. So what exactly would happen is through your routers, your first data will go to your gateway. अभी मैं आगे जाके gateway पढ़ाने वाला हूँ. Your it will first go to gateway. Gateway से वो जाएगा तुम्हारे ISP server के पास. So if you stay at somewhere at Dadar, तुम्हारा ISP server Matunga में है, तो तुम्हारा पहला packet जाएगा Matunga के ISP server के पास. फिर Matunga का ISP server US में data पहुंचाने के लिए check करेगा which is the best possible route. Is it via a satellite communication or is it via a fiber optic communication beneath the sea? And whatever best possible, कम से कम समय में जहां से पैकेट सेंड होगा वो इधर वो माइक्रोवेव सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज करेगा या वो वायर्ड कम्युनिकेशन यूज करेगा और ये पैकेट उसके आईएसपी के पास जाएगा यूएस में और उसका आईएसपी ये पैकेट थ्रू सेट ऑफ राउटर्स उसके पास डिलीवर करेगा. सो सर मींस वायर्ड कम्युनिकेशन ये भी मतलब भी आपने बोला कि वाइड कम्युनिकेशन से भी जा सकता है यूएस में. यूएस देयर आर 50 स्टेट्स फॉर एग्जांपल, एक स्टेट 10 टू 15 आईएसपी अगर हम रफली ले लेते हैं, राइट तो मतलब उतना हमारा जो ये क्या बोल आईएसपी है उसके पास 50 स्टेट की एक एक वायर रहेगी, ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहेगा. 50 स्टेट्स की वायर नहीं रहेगी. वो आईएसपी देखेगा ये कहां पे सेंड करना है, तो पहले वो कंट्री वाइज देखेगा. तो यूएस में सेंड करना है, तो यूएस में सेंड करने के लिए मेरे पास क्या ऑप्शंस है? इधर वायरलेस मीन से जाएगा सैटेलाइट कम्युनिकेशन से या वायर्ड मीन से जाएगा. फिर वहां पे कैलकुलेशन होता है दोनों में फिलहाल फास्टेस्ट कौन सा है. तो अज्यूम करो फाइबर ऑप्टिक्स फास्टेस्ट है, तो अभी फाइबर ऑप्टिक्स से डेटा पहले यूएस तक पहुंचेगा एंड अभी यूएस के पास रिसीव होने के बाद वो बेस्ट पॉसिबल मैनर से देखेगा कि हाउ इट कैन रीच टू द डिफरेंट 50 स्टेट्स के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. नाउ इट मे बी वाया वायर्ड और वायरलेस. वो यूएस का जो मेन एक्सेप्टेंस लेवल वाला जो बंदा है वो डिसाइड करेगा बाय कैलकुलेटिंग द टाइम. और ये सब सर्वर करते हैं, सब ऑटोमेटेड है. एंड नाउ it will reach to the respected ISP server and from that it will be distributed to the respected machine. So sir, मतलब हर एक country का या हर एक region का ऐसा एक main receiver रहता है? Main receiver रहेगा जो ये data accept करेगा और forward करेगा. Okay, तो sir मतलब ऐसा main receiver हर country का रहता है? मेन रिसीवर का मतलब कैसे होता है? इट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन आईपी एड्रेस कैलकुलेशन की ये पैकेट अभी नेक्स्ट कौन से आईपी एड्रेस के पास जाना चाहिए. तो एक ही अगर ऐसा जैसे मैं बोल रहा हूं कि एक ही अगर बंदा रहेगा जो सब डेटा एक्सेप्ट कर रहा है, पॉसिबली अगर वो फेल हुआ तो क्या, वो फेल हुआ तो पूरा यूएस का कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा. तो इट इज नॉट ओनली वन बट देन देर आर सेट ऑफ सच रिसीवर्स विच आर प्रेजेंट टू एक्सेप्ट द डेटा. सर एक डाउट है. हाँ बोल रोहन. यार रोहन टेल मी सर,
when we say computer network, even World Wide Web is like part of a network. So sir, जब भी हम कोई country भेजते हैं, तो does that come into come out like is World Wide Web used? Actually, when you say na World Wide Web (WWW), that is an indirect terminology which indicates web server. World Wide Web is a direct. जब मैं DNS आपको पढ़ाऊंगा last chapter में, तब मैं आपको बताऊंगा कि World Wide Web का एक्चुअल मतलब होता है वी आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द रिस्पेक्टेड वेब सर्वर एंड व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट दैट इज नोन एज वैन वाइड एरिया नेटवर्क सो व्हिच इज कंबाइनिंग ऑल द नेटवर्क्स ऑफ द वर्ल्ड टुगेदर टू फॉर्म अ बिग नेटवर्क दैट इज योर वैन वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क ओके सर गॉट इट क्लियर ऑन ओके तो अभी क्या होता है अभी कहानी कुछ ऐसी है कि तुम्हारे घर पे जो इंटरनेट कनेक्शन आता है ना अज्यूम करो तुम्हारे सोसाइटी का आईएसपी एक ही है सेम है तुम्हारे सोसाइटी का आईएसपी एक ही है तुम्हारे सोसाइटी में बहुत सारे नेटवर्क्स रहेंगे बहुत सारे मशीन्स रहेंगे उनका एक ही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है तो नेक्स्ट डिवाइस जो मुझे एक्सप्लेन करना है दैट डिवाइस इज नोन एज गेटवे Now, what exactly is a gateway? तो अज्यूम करो ये तुम्हारे सोसाइटी का नेटवर्क है N1 अज्यूम करो ये मेरा नेटवर्क है N2 ठीक है दिस इज माई नेटवर्क N2 when I will be sending you the data, N1 के border पे एक router रहेगा और N2 के बॉर्डर पे भी एक राउटर रहेगा इस राउटर का नाम होता है गेटवे राउटर नाउ व्हाट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस गेटवे राउटर एक्चुअली योर गेटवे राउटर एक्ट एज अ सिंगल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट इसका क्या मतलब है N1 में अगर आना है तो उसको R1 से अंदर आना पड़ेगा N1 से उसको बाहर जाना है तो R1 से ही बाहर जाना पड़ेगा अगर N2 में आना है तो R2 से ही अंदर आना पड़ेगा और N2 से बाहर जाना है तो R2 से ही बाहर जाना पड़ेगा इसको हम लोग कहते हैं सिंगल एंट्री एंड एग्जिट Point. This is your gateway router. So now looking at this diagram, you tell me this gateway router connects same networks or two different networks. Gateway router connects same network or two different networks. Answer soch ke do. N1 aapka network hai, N2 mera network hai. I am using Airtel. Is everyone using their Airtel? No. I am using Jio. Is everyone using their Jio? No. I am using Idea. Is everyone using their Idea? No. So, N1 and N2 are both different networks. And जब दो अलग-अलग network को आपको connect करना होता है, तभी आपको क्या लगता है? तभी आपको लगता है gateway. So, gateway कैसे काम करता है? समझा सब लोगों को? If you don't answer, how will I understand? So it's a request. Gateway ka kaam kya hota hai? Connecting same network ya connecting two different networks? Connecting two different networks. Perfect answer. But abhi aisa bhi scenario hota hai. To is scenario mein, assume I will introduce a new device known as a bridge. ठीक है अज्यूम करो दिस इज N1 ये आपका नेटवर्क है आपके नेटवर्क में अज्यूम करो तीन बिल्डिंग्स है तीन अलग अलग सोसाइटीज है एक बड़ा सोसाइटी उसमें तीन अलग अलग सब सोसाइटी तो मैं यहां पे बनाऊंगा N1- ये बनेगा N1" और ये बनेगा N1"
ठीक है, ये जो मैंने बनाया है दीज आर माय सबनेट्स. एंड नाउ व्हाट आई वांट टू कनेक्ट N1 to N1" with a router. N1" and N1" with a router. Such a router is known as bridge. So can you tell me what is a bridge? Connecting to different networks or connecting the same set of network? Same network है ना, क्योंकि N1 अगर Airtel है तो N1-N1" and N1" are part of that Airtel. But only मैंने क्या किया है, मैंने subnetting कर दिया है और अभी मुझे इन subnets को जोड़ना है एक दूसरे के साथ, तब मुझे लगेगा bridge. So आपको किसी ने वाइवा में पूछा what is the difference between a bridge and a gateway, तो आप answer क्या दोगे? Gateway are the routers that connect to different networks, whereas bridge are the routers that connect same network. So this is a difference between gateway and a bridge. And finally, if I need to conclude with a last device, a very important device, that device is known as a repeater. Okay, that device is known as a repeater. Now, what happens with a long wired transmission? Dhyan do. This is A. This is B. Okay? And ye A aur B ek dusre ko aise connected hai. Jab main A koi data transfer karta hai, to you can see this is the analog signal. या डिजिटल जो भी है, बट इफ यू सी आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम द सिग्नल स्ट्रेंथ इज लॉस्ट. इफ यू सी द एम्पलीट्यूड द सिग्नल स्ट्रेंथ इज लॉस्ट. तो इमेजिन एक एक्सपेरिमेंट करो, आप एक पॉइंट पे खड़े हो जाओ, ठीक है, दूसरे पॉइंट पे 40-50 मीटर्स के आगे आप आपके फ्रेंड को खड़ा कर दो और आप उससे बात करो, उसको सुनाई देगा. पर वो बंदा अगर आपसे 200-300 मीटर की दूरी पे है, तो तुम जिस वॉइस से उसको बोलोगे उसको समझेगा क्या? नहीं समझेगा. तो उसको नहीं समझेगा तो आप क्या करोगे? आपका आवाज मैक्सिमम किधर तक जाता है? 20 मीटर पे. तो 20 मीटर पे और एक बंदा अपॉइंट करोगे, तो आप जो बोलोगे वो 20 मीटर के बाद वही बंदा वही मैसेज वापस सेंड करेगा. वापस उसके आगे 20 मीटर पे मुझे और एक बंदा खड़ा करना पड़ेगा और वो क्या करेगा, सेकेंड से मैसेज लेगा और वही मैसेज फोर्थ को ट्रांसफर करेगा. फोर्थ वाला क्या करेगा, थर्ड से मैसेज लेगा, फिफ्थ को ट्रांसफर करेगा. तो ये सब जो डिवाइसेस है ना, दे आर नोन एज रिपीटर. तो रिपीटर का काम क्या होता है, सिग्नल को एम्पलीफाई रेदर री एम्पलीफाई करना इन सच अ वे दैट जो एक्चुअल सिग्नल है वही सिग्नल रिसीवर तक पहुंचे. तो अगर आप देखोगे मुझे इधर क्या क्या लगेगा, मुझे इधर लगेगा R, R मतलब रिपीटर, इधर दूसरा, दिस इज R2, दिस इज R1, दिस इज R3, ठीक है. एंड व्हाट विल बी द जॉब ऑफ द रिपीटर, व्हाट एवर द इनकमिंग सिग्नल इज, वो सिग्नल को लेना, वापस वही स्ट्रेंथ में आगे फॉरवर्ड करना, वापस वही स्ट्रेंथ में आगे फॉरवर्ड करना, वापस वही स्ट्रेंथ में आगे फॉरवर्ड करना. So what your repeaters are doing, they are re-amplifying the signal. ये आज आपके घर पे भी हो सकता है. जैसे मेरे घर पे, मेरे पास जियो फाइबर है, ठीक है, जियो फाइबर मेरा कनेक्शन हॉल में है, मेरे बेडरूम में उसका दंडी आते आते एक दो हो जाता है. तो मैंने क्या किया, मेरे पैसेज में मैंने एक रेंज एक्सटेंडर लगा दिया, रेंज एक्सटेंडर. तो जो रेंज एक्सटेंडर है ना, वो रेंज एक्सटेंडर क्या करेगा, वो रेंज एक्सटेंडर रहेगा, वो रेंज एक्सटेंडर का काम क्या रहेगा, द जॉब ऑफ द रेंज एक्सटेंडर वुड बी
सिग्नल को एम्पलीफाई करो. तो मेरे पास जब वाईफाई कनेक्शन आता है मेरे बेडरूम में, तो मुझे 5 के 5 डंडी दिखती है, एंड दैट इज द जॉब ऑफ योर रिपीटर, रेंज एक्सटेंडर, री एम्पलीफायर. सो एनी डाउट फॉर अ टाइमिंग विथ सेट ऑफ डिवाइसेस, टेल मी, आपको सब डिवाइसेस भेजे में अच्छे से घुस गए हैं क्या? यस सर. यस सर. ठीक है. सो ऑल अदर डिवाइसेस इन अ सिंगल ग्लांस इफ यू सी दिस. ठीक है, वी स्टार्टेड विथ मॉडेम. ठीक है, मॉडेम मैंने क्या बोला, आज के जमाने में मॉडेम कोई यूज नहीं करता है बिकॉज वी आर नॉट डीलिंग विथ एनालॉग लाइंस. मॉडेम के अंदर होता है एक ट्रांसड्यूसर. ट्रांसड्यूसर है एडीसी एंड डीएसी. वो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है. उसके बाद हम लोग ने देखा था हब. हब का काम क्या था, अभी मैं इसके बाद ना आपको बताने वाला हूं. अगर एक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डिजाइन करना है तो आप हब यूज करोगे या स्विच यूज करोगे या राउटर यूज करोगे. चलो मेरे को एक बात बताओ, देखते किसकी किसकी दिमाग की बत्ती जलती है. तुम्हारे घर पे स्विच है या तुम्हारे घर पे राउटर है? तुम्हारे घर पे स्विच है या राउटर है? तुम्हारे घर पे स्विच है या राउटर है दोस्तों? स्विच है. ठीक है, किसके पास स्विच है? सर दोनों. अभी जिसने आंसर दिया मेरे, जिसके पास स्विच है, हु वाज दैट? अगर स्विच है तो तुम्हारे घर पे आर देयर एनी 20-25 मशीन्स, वायर्ड मशीन्स जो तुम्हारे स्विच को कनेक्टेड है? नो. सो तुम्हारे पास लॉजिकली राउटर है. तो स्विच कब लगेगा? स्विच आपको लगेगा लैब्स में, जहां पे रैदर देन आई परचेसिंग 20 राउटर्स, आई विल परचेस अ 20 पोर्ट स्विच एंड आई विल कनेक्ट ऑल मशीन्स टू दैट स्विच एंड आई विल हैव ओनली वन राउटर, दैट राउटर वुड बी कनेक्टेड टू स्विच. इमेजिन हो रहा है हाउ द नेटवर्क कनेक्शन विल वर्क रैदर देन हैविंग. मैं आपको एनीवे, मैंने जैसा आपको बोला कि मैं आपको डिजाइन एक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डिजाइन करके बताऊंगा कि हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स. बट हब एंड स्विच में सबको डिफरेंस समझे. हब एंड स्विच, हब एंड स्विच में सबको डिफरेंस समझाए. हब क्या करता है? जो आया सबको फॉरवर्ड करता है. स्विच क्या करता है? जो आया सिर्फ जिसको चाहिए उसको फॉरवर्ड करता है. इज दिस क्लियर एवरीवन? यस सर. So write down in your notebook modem. Write down in your notebook modem. A device that is used for connecting. A device that is used for connecting analog line to a digital system. Full stop. As the name says, modulator and demodulator. As the name says, modulator and a demodulator, comma, it does the job of
it does the job of analog signal conversion to digital. It does the job of analog signal conversion to digital. Analog signal conversion to digital and vice versa. Analog digital conversion to digital and vice versa. ठीक है, डायग्राम के लिए जगह छोड़ो, बाद में थोड़ा जूम इन कर दूंगा. अभी हेडिंग दो, सेकंड हब. हब, हब, उसमें लिखो अ डिवाइस दैट सेंट्रली कनेक्ट्स ऑल अदर डिवाइसेस. A device that centrally connects all other devices. A device that centrally connects all other devices. ठीक है, एक लाइन छोड़ के लिखो. सॉरी, डायग्राम के लिए जगह छोड़ो और फिर लिखो. डायग्राम बाद में ड्रॉ करो, अभी फिर लिखो. As shown above, A sends data to C. And hub forwards this data to all. A sends data to C and hub forwards this data to all. Forwards the data to all. And so it is called as dumb device. ठीक है, फिर लिखो स्विच. थर्ड वन, स्विच. थर्ड वन, स्विच. इट इज सेम एज हब. इट इज सेम एज हब बट is intelligent in nature. It is same as hub but is intelligent in nature. Diagram ke liye jagah chodo. और फिर लिखो स्विच. स्विच मेंटेन्स अ टेबल. एंड फॉरवर्ड्स द डेटा ओनली टू द इंटेंडेड मशीन. एंड फॉरवर्ड्स द डेटा ओनली टू द इंटेंडेड मशीन. Only to the intended machine.
intended machines. Okay, उसके बाद लिखो router. Router. An important device that connect two endpoints. An important device that connect two endpoints. Important device that connects two endpoints. Comma, used for routing the packet to the correct destination. Used for routing the packet to the correct destination. Used for routing the packet to the correct destination. Full stop. Used for routing the packet to the correct destination. Full stop. डायग्राम के लिए जगह छोड़ो. हेलो सर. हाँ बोल सर. एक बार रिपीट कर दो प्लीज. इट इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग टू एंड पॉइंट्स. इट इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग टू एंड पॉइंट्स. एंड इज यूज्ड फॉर राउटिंग द पैकेट टू द करेक्ट डेस्टिनेशन. And is used for routing the packet to the correct destination. And is used for routing the packet to the correct destination. Full stop. Full stop. उसके बाद लिखो गेटवे. डायग्राम के लिए जगह छोड़ो और फिर लिखो गेटवे. इट इज अ राउटर दैट कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क. इट इज अ राउटर दैट कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क्स. It is a router that connects two different networks. एक लाइन जोड़ के लिखो. इट इज समटाइम ऑल्सो नोन एज बॉर्डर गेटवे राउटर. इट इज समटाइम ऑल्सो नोन एज बॉर्डर गेटवे राउटर. इट इज समटाइम ऑल्सो नोन एज बॉर्डर गेटवे राउटर. And then you write down. Then you write down. Repeater. Sorry, bridge, bridge. Diagram ke liye jagah chodo. Then you write down bridge. Then you write down bridge. Now you tell me bridge ka definition kya likhoge. What will be the definition of bridge? Yes. What will be the definition of bridge? It is a router that connects same network. It is a router that connects same set of networks.
It is a router that connects same set of networks. It is a router that connects same set of networks. And diagram के लिए जगह छोड़ो, फिर लिखो repeater. Repeater in a wired long distance communication, in a wired long distance communication, there is possibility of a signal loss. In a wired long distance communication, there is a possibility of signal loss. ठीक है, कॉमा, टू अवॉइड दिस कनेक्ट रिपीटर्स एट अ इक्वल डिस्टेंस. कनेक्ट रिपीटर एट अ इक्वल डिस्टेंस that will re-amplify the signal. That will re-amplify the signal. ठीक है, चलो complete all the diagrams that you can see on the screen from model till repeater. Sir, मैं ठीक है, I'll give you. Bol. Sir, it is about a bridge. Sometimes when I am trying to access a website, my browser says connect to a bridge. So what is that? Are you trying to access any website which is related to your local LAN? No, sir. So what message you get? Connect to a bridge. Turn on the option connect to a bridge. Connect to a bridge is only when you are trying to connect your network to some other neighboring network of the same type. Then only you'll be getting this message. I'm actually using Tor browser, you know, Onion browser, Tor browser, like that. I know that. Yeah. So when I am browsing through that, it says connect to a bridge. Possibly it is not able to detect the gateway and it is trying to connect to a bridge. Possibly it might be the scene. I have never tried this. I'll just check it and I'll let you know. Okay. Thank you very much, sir. Because generally, connect to a bridge won't be a message in a normal surfing or even when you are trying to connect to a normal server through your browser. So I'll just check it even once. I'll try using that browser and I'll check if I'm getting the same message. Okay, thank you, sir. Sir, it's not a normal site. It's like, you know, a torrent or sites that are banned in India. I understood. Okay, thank you, sir. Yes.
So what did you say the name of the device inside the modem that connects analog signal to digital signal? ADC and DAC, analog to digital converter, digital to analog converter, also known as transducers. Transducers. Yes. Transducer is the term, it's a term that converts one form of energy into another form of energy.
let me know if you have completed. Sir, hello. Yes, tell me. Sir, what does the term bad gateway mean? Bad gateway is the term used whenever you're not able to access a gateway or you're trying to enter a network with some wrong gateway IP address. So that is known as bad gateway. Okay, thank you, sir. Yeah. Chalo, let us proceed now and talk about the architecture of the network. So I would again ask, sabka ho gaya hai draw karke na, to main proceed karta hu. Okay, chalo, let us proceed. And now talk about a very important topic. Wo topic dekhenge and we will stop today. Okay, that important topic is known as topology. Now the question, what do you mean by topology? Topology ka matlab hota hai architecture of the network. Okay, what is the meaning of topology? टोपोलॉजी का मतलब होता है आर्किटेक्चर ऑफ द नेटवर्क, हाउ द डिवाइसेस आर प्लेस्ड इन अ वे दे कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर. तो उसके लिए सबसे पहला टोपोलॉजी जो हम अंडरस्टैंड करेंगे, दैट टोपोलॉजी इज नोन एज बस टोपोलॉजी. द सेकेंड टोपोलॉजी दैट वी विल अंडरस्टैंड इज नोन एज रिंग टोपोलॉजी. The third topology that we will understand is known as a star topology. And the fourth one that we will understand is known as a mesh topology. Now, what exactly is a bus topology? Whenever set of devices, say device A, device B, device C, and device D, They are connected to each other in a serial fashion. ये जो form होता है ना, this is your bus topology and this dandi indicates your network. Now bus topology की सबसे बड़ी खूबी क्या है पता है? कि एक ही डायरेक्शन में वो काम करेगा, मतलब इट इज यूनिडायरेक्शनल. ठीक है, मतलब पैकेट ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी जाएगा एंड डी टू ए वो डायरेक्टली वापस आएगा. बट देर इज नो फिजिकल, डी ए को जोड़ा नहीं है फिजिकली. इसके लिए कभी कभी हम इसको कहते हैं लॉजिकल रिंग. वी कॉल इट एज लॉजिकल रिंग. चलो, इट इज सिंपल टू इंप्लीमेंट, सब कुछ एकदम मजेदार है. इसमें एक प्रॉब्लम है. अगर ए और बी, बी और सी, सी और डी के बीच में का केबल क्रैक हो गया, केबल ब्रेक हो गया, पूरा नेटवर्क डाउन. डिसएडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी, सिंगल ब्रेक इन अ केबल विल ब्रिंग द एंटायर नेटवर्क डाउन. एंड
इमेजिन करो पैकेट ए ने सी के लिए भेजा है. इमेजिन ए ने पैकेट सी के लिए भेजा है, तो ए का पैकेट ऐसे ट्रैवल कर रहा है और बी ने एक पैकेट डी के लिए भेजा, तो अल्टीमेटली ये पैकेट आगे जाके कोलाइड होने का चांसेस है. कोलाइड, तो ये जो आपको इधर मैं बता रहा हूं, दिस इज नोन एज कोलिजन. दैट इज द सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी. इफ टू डिवाइसेस स्टार्ट सेंडिंग डेटा एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, क्या होगा? देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन. And this is the disadvantage of bus topology. The question, sir, collision हुआ तो हम उसको avoid कैसे कर सकते हैं? Collision होना ही नहीं चाहिए, उसके लिए आप क्या कर सकते हो? तो मैं आपको solution बताता हूं. Solution है token use करो. Token. Token मतलब क्या? Token मतलब license. वो जो टोकन है ना, वो टोकन पहले ए के पास जाएगा और ए को पूछेगा, भाई तेरे को डेटा ट्रांसफर करना है क्या? ए बोलेगा नहीं करना है, तो टोकन बढ़ेगा आगे. टोकन जाएगा बी के पास, बी को बोलेगा भाई तेरे को डेटा ट्रांसफर करना है क्या? बी बोलेगा हाँ, तो बी टोकन को ले लेगा. एंड नाउ द टोकन विल बी विद बी, सो ओनली बी कैन ट्रांसमिट द डेटा. Once B completes the data transmission, the token will be released. The token will go to C and puchega, bhai, tere ko data transfer karna hai kya? So, Viva mein kisi ne pucha, how the issue of collision takes place in bus topology? To kya answer doge with the help of which architecture? Token architecture. Theek hai, phir aata hai ring. Ring and bus actually both are same. पर रिंग और बस में क्या कहानी है? रिंग और बस में कहानी ऐसी है कि लास्ट डिवाइस फर्स्ट को कनेक्टेड होता है, बस उतना ही फर्क है भाई. मतलब ए कनेक्टेड टू बी, बी कनेक्टेड टू सी, सी कनेक्टेड टू डी, डी कनेक्टेड टू ए. एंड इसकी भी खूबी क्या है कि ये यूनिडायरेक्शनल है. व्हाट डू मीन बाय यूनिडायरेक्शनल? एक ही डायरेक्शन में डेटा का ट्रांसमिशन होगा. एंड रिंग टोपोलॉजी में भी अगर ए और बी, बी और सी, सी और डी, डी और ए का बीच में का केबल ब्रेक हो गया, तो इट विल लीड टू अ प्रॉब्लम ऑफ नेटवर्क फेलियर. अगर आपको किसी ने बोला नहीं मेरे को रिंग को बाई डायरेक्शनल बना के दिखाओ, तो क्या करने का पता है? डबल रिंग इंप्लीमेंट करने का. आप बोलोगे सर व्हाट डू यू मीन बाय डबल रिंग? डबल रिंग का मतलब होता है, मैं यहां पे बताता हूं. डबल रिंग का मतलब होता है पर्पल कलर का जो रिंग है ना वो क्लॉकवाइज चलेगा, और ये ऑरेंज कलर का जो लिंक है ना ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, जिसके वजह से तुम्हारा जो रिंग है वो क्या बन गया? तुम्हारा रिंग बन गया बाय डायरेक्शनल. तो अगर आपको किसी ने बोला भाई रिंग को बाय डायरेक्शनल बना के दिखाओ, ओके हम डबल रिंग इंप्लीमेंट करेंगे, एक रिंग क्लॉकवाइज जाएगा, एक रिंग एंटी क्लॉकवाइज जाएगा. ठीक है, फिर आता है स्टार टोपोलॉजी. स्टार टोपोलॉजी मतलब द डायग्राम ऑफ हब. ठीक है, चलो हम लोग इधर वापस ही ड्रॉ करते हैं. डायग्राम ऑफ हब मतलब दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, और यहां पे रहेगा आपका सेंट्रल डिवाइस. इट कैन बी हब, इट कैन बी स्विच, इट कैन बी एनीथिंग, और ऐसा कनेक्शन है. एंड नाउ यू नो आई जनरली वी वुड गो फॉर स्विच. So A to B जाना है तो A to switch, switch to B. इसमें दो प्रॉब्लम्स है.
सबसे पहला प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम नहीं बोल सकते, वो एडवांटेज है कि ए और सेंट्रल डिवाइस के बीच में का केबल अगर ब्रेक होता है तो जैसे बस और रिंग में पूरा नेटवर्क डाउन हुआ करता था, अभी पूरा नेटवर्क डाउन नहीं होगा। अभी सिर्फ तुम्हारा ए नेटवर्क से बाहर ऐसे दिखेगा। आई होप जो मैंने आपको बोला वो क्लियर है। पर इसमें एक ही डिसएडवांटेज है कि अगर आपका हब या स्विच फेल होता है तो पूरा नेटवर्क विल बी डाउन। इज दिस क्लियर? पूरा नेटवर्क विल बी डाउन। इज दिस क्लियर एवरीवन? सर कैन यू रिपीट वंस, एक्चुअली देयर वाज अ नेटवर्क इशू। आई विल रिपीट। A to C अगर डेटा ट्रांसमिट करना है तो यू नो हाउ इट विल बी डन, इट वुड बी वाया स्विच और वाया हब। बट A और सेंट्रल डिवाइस के बीच में का केबल ब्रेक हो गया तो पूरा नेटवर्क डाउन नहीं होगा, सिर्फ क्या डाउन होगा, A डाउन होगा। तो दिस इज एन एडवांटेज एज कंपेयर टू बस एंड रिंग। बट हियर देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। इसका मतलब क्या, अगर तुम्हारा सेंट्रल डिवाइस डाउन तो तुम्हारा पूरा नेटवर्क डाउन। इज दिस क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। तो किसी को कुछ डाउट्स विथ रिगार्ड्स टू स्टार? किसी को कुछ डाउट विथ रिगार्ड्स टू स्टार? सर तो सेंट्रल डिवाइस के अंदर ए बी ए सी ए डी और हर एक मतलब हरेक के लिए सेपरेट नेटवर्क होता है हर डिवाइस के लिए? नहीं 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 नहीं, सेपरेट नेटवर्क क्या, ये जो केबल है जो डी और सेंट्रल डिवाइस को कनेक्ट कर रहा है वो तेरा नेटवर्क बन जाता है। सो सेंट्रल डिवाइस इज नथिंग बट अ स्विच, उसके पास इंफॉर्मेशन रहेगा ए बी सी डी कौन से पोर्ट को कौन से इंटरफेस को कनेक्टेड है, दैट्स इट। सो देयर इज नो सेपरेट नेटवर्क व्हिच इज क्रिएटेड इनसाइड अ सेंट्रल डिवाइस। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yeah. And the last topology, it is said to be the most reliable topology known as mesh. Mesh की कहानी क्या है, देखो A will be connected to B, B will A will be connected to C, A will be connected to D. B will be connected to A, B will be connected to C, B will be connected to D. Similarly, C will be connected to A, B and D will be connected to A, B and C. इसका क्या मतलब हुआ? Every device is connected to every other device. Is this clear, everyone? Yes, everyone? Mesh topology का concept clear हुआ ना? Every device is connected to every other device. मतलब अगर A और B का अगर केबल ब्रेक होता है, स्टिल ए एंड बी कैन बी इन अ नेटवर्क, स्टिल ए एंड बी कैन कम्युनिकेट वाया डी और वाया सी। इज दिस क्लियर? एंड इसीलिए मेश को बोला गया है सबसे रिलायबल। पर मेश का प्रॉब्लम एक ही है, इट इज वेरी कॉस्टली। क्यों कॉस्टली है? बिकॉज इट नीड्स एन इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू नंबर ऑफ लिंक्स। नाउ वॉट इज एन? N मतलब नंबर ऑफ डिवाइसेस। तो टेल मी हाउ मेनी नंबर ऑफ डिवाइसेस यू कैन सी इन दिस एग्जाम्पल? फोर। हाउ मेनी लिंक्स यू वुड रिक्वायर? फोर इंटू थ्री डिवाइड बाई टू, मतलब यू विल रिक्वायर सिक्स लिंक्स। तो चेक करो छह पर्पल लाइन्स ड्रॉ किए हैं क्या मैंने? क्लियर एवरीवन? यस सर। सो फिलहाल एनी डाउट विद रिगार्ड्स टू बस रिंग स्टार एंड मेश, समझा है क्या सब लोगों को? सर हाँ बोल। सर कुड यू एक्सप्लेन डिसएडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी एंड कांसेप्ट ऑफ टोकन? यस आई विल डू दैट अगेन। बस टोपोलॉजी का डिसएडवांटेज क्या है? ए और बी के बीच में का केबल ब्रेक हुआ या बी और सी के बीच में का केबल ब्रेक हुआ या सी और डी के बीच में का केबल ब्रेक हुआ, पूरा नेटवर्क डाउन होगा, पूरा नेटवर्क। स्टार में क्या है? ए और सेंट्रल डिवाइस के बीच में का केबल ब्रेक हुआ तो सिर्फ ए डाउन होगा, पूरा नेटवर्क चलेगा।
और मेश में क्या है, ए और बी के बीच में का अगर केबल ब्रेक भी हुआ तो भी ए और बी डिस्कनेक्ट नहीं होंगे, दे वुड बी कनेक्टेड वाया डी एंड सी, इसके लिए मेश को बोला गया है रिलायबल। बट बस एंड रिंग में और एक प्रॉब्लम है, स्पेसिफिकली बस में, इवन इन रिंग, अगर मल्टीपल डिवाइस एक ही टाइम पे डेटा सेंड करना चालू कर देते हैं तो प्रॉब्लम होगा, दोनों का डेटा कोलाइड होगा, कोलिजन होगा, एंड कोलिजन होगा तब तुम्हारा डेटा कैनॉट बी डिलीवर्ड, एक्सीडेंट हो गया। तो ये अवॉइड करने के लिए एट अ टाइम सिर्फ एक ही डिवाइस ट्रांसफर करना चाहिए। तो वो डिवाइस कौन होगा, ए बोलेगा मैं, बी बोलेगा मैं, सी बोलेगा मैं, डी बोलेगा मैं, तो देयर इज अ सॉल्यूशन। कोई कुछ नहीं बोलेगा, टोकन बोलेगा, टोकन मतलब लाइसेंस, टोकन नेटवर्क में घूमते रहेगा। पहला टोकन जाएगा ए के पास, पूछेगा भाई तेरे को डेटा ट्रांसफर करना है, ए बोलेगा नहीं, टोकन जाएगा बी के पास, बी को पूछेगा तेरे को डेटा ट्रांसफर करना है, बी बोलेगा हाँ करना है, तो बी के पास जाएगा टोकन और अभी सिर्फ बी डेटा को ट्रांसफिट कर पाएगा। इतना समझा एवरीवन? यस सर। जिसने डाउट पूछा था उसको समझा? यश? यस सर, क्लियर। ओके, सो राइट डाउन इन योर नोटबुक बस टोपोलॉजी, सॉरी पहला लिखो टोपोलॉजी, टोपोलॉजी, टोपोलॉजी। इट इज ऑल्सो, सॉरी, इट इज द आर्किटेक्चर ऑफ हाउ द नेटवर्क एंड इट्स डिवाइसेस आर कनेक्टेड। इट इज एन आर्किटेक्चर ऑफ हाउ द नेटवर्क एंड इट्स डिवाइसेस आर कनेक्टेड। ठीक है, उसके बाद लिखिए, उसके बाद लिखिए नंबर वन बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी उसमें लिखे सेट ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड इन सीरियल फैशन, सेट ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड इन सीरियल फैशन वन आफ्टर द अदर, सेट ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड इन सीरियल फैशन वन आफ्टर द अदर। Set of devices connected in serial fashion one after the other. Full stop. Full stop. Diagram के लिए जगह छोड़ो और फिर लिखो. It is simple to implement. It is simple to implement. Diagram के बाद लिखो, it is simple to implement. Next point लिखो, it is unidirectional in nature. It is simple to implement. Next point लिखो, it is unidirectional in nature. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज ऑल्सो नोन एज लॉजिकल रिंग, इट इज ऑल्सो नोन एज लॉजिकल रिंग। इट इज ऑल्सो नोन एज लॉजिकल रिंग। नेक्स्ट एक लाइन छोड़ के लिखो, डिसएडवांटेज,
disadvantage? Single break in a cable will bring the entire network down. Single break in a cable will bring the entire network down. Single break in a cable will bring the entire network down. Full stop. Next point, second disadvantage. If multiple devices start transmitting data, at the same time, comma, data will collide with each other. If multiple devices start sending data at the same time, comma, the data will collide with each other. Data will collide with each other. Full stop. Chalo, someone unmute and answer. What is the solution for this? Token. ठीक है, so आपके reference के लिए लिख के रखो, use of token. Use of token. तो एक लाइन छोड़ के लिखो आपके रेफरेंस के लिए वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हाट इज अ टोकन क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज अ टोकन क्वेश्चन मार्क. तो आप उसमें लिखो, टोकन इज अ लाइसेंस. Token is a license that keeps going to all devices. Token is a license that keeps going to all devices. Token is a license that keeps going to all the devices. And the devices that wants to transmit. And the device that wants to transmit will acquire the token. And the device that wants to transmit will acquire the token. Will acquire the token. चलो मेरा question, कौन answer करता है देखते हैं. True या false? Answer unmute करके दो, chat पे मत डालो. True या false? There will be multiple tokens in the network. False. Perfect. एक ही token रहेगा ना बाबा, एक ही token रहेगा तो ही एक device एक time पे transmit कर पाएगा. So only one token in a device. Very good. चलो next write down ring topology. It is same as bus. Second, ring topology. It is same as bus, but the devices are connected in circular fashion. But the devices are connected in circular fashion. डायग्राम के लिए जगह छोड़ो, बाकी का पूरा एक्सप्लेनेशन सेम एज बस. ठीक है, डायग्राम के लिए जगह छोड़ो एंड किधर तो लिख के रखो, रेस्ट एक्सप्लेनेशन सेम एज बस.
सिर्फ उधर आपने लॉजिकल रिंग लिखा है, इधर आप फिजिकल रिंग लिखोगे, बस उतना ही फर्क है, ठीक है। सो रेस्ट एक्सप्लेनेशन सेम एज बस, बस में तुमने एक पॉइंट पे लॉजिकल रिंग लिखा है, इधर फिजिकल रिंग लिखोगे, सेम। नाउ गो टू थर्ड, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी, सेट ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टू ईच अदर, सेट ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू अ सेंट्रल डिवाइस, सेट ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू अ सेंट्रल डिवाइस लाइक हब और अ स्विच, लाइक हब और अ स्विच, फुल स्टॉप। डायग्राम के लिए जगह छोड़ो, फिर लिखो। If cable between A and central device breaks, if cable between A and central device breaks, comma, only A is down and not the entire network. If a cable between A and central device breaks, comma, only A is down and not the entire network. And not the entire network. ठीक है, एक लाइन छोड़ के लिखे डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज तुम बताओ क्या बताया था डिसएडवांटेज? परफेक्ट परफेक्ट। तो राइट डाउन सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर दैट इज इफ सेंट्रल डिवाइस इज डाउन द एंटायर नेटवर्क इज डाउन। That is if central device is down, the entire network is down. And a last point, last wala, mesh topology. Mesh topology. Mesh topology. It is the most reliable topology. It is the most reliable topology where every device is connected to all other devices. It is most reliable topology where every device is connected to all other devices. Every device is connected to all other devices. Full stop. Every device is connected to all other devices. Full stop. और फिर लिखो, डायग्राम के लिए जगह छोड़ो और फिर लिखो, डिसएडवांटेज कॉस्टली टू इंप्लीमेंट, कॉस्टली टू इंप्लीमेंट एज इट नीड्स, कॉस्टली टू इंप्लीमेंट एज इट नीड्स n into n minus 1 number of links, n into n minus 1 divided by 2 number of links, n into n minus 1 the whole divided by 2
number of links. Where n equal to number of devices. Where n equal to number of devices. Cholo, complete all the diagrams quickly. Sir, all the devices you are about in this particular section of the chapter, these are all wire connected devices, right? Right now what we are talking about is a wired guided media, right? So the devices you spoke of, kind of like we have like a multiple ports in a laptop, so kind of like that, right? Like we can I didn't get you. Pen drive into multiple ports and transfer information at the same time. No, Bharat, I think thoda sa you're digressing. The path, what we are right now focusing upon is the hardware aspect of how the devices would be connected to each other with a wired technology. So like my phone and my computer, if I can connect them through a wire? Through a cable, yes. Okay. Thank you, sir. Most welcome. Okay, can anyone answer this? But obviously, Mesha. One. How many devices will be there if there are 10 links in mesh? You अभी disadvantage में तो मैंने formula भी लिख के दिया है. 5 devices sir. Hi. Root 21. No quadratic बनेगा equation and the answer is what? Root 21. N into n minus 1 divided by 2 number of links बोला है ना? And अभी आपने को क्या दिया है? अभी आपने को दिया है 10. So it is very easy to calculate what will be the value of n. So the answer is 5. Itna complexity mein jaane ki zarurat hi nahi hai na. Done, everyone?
Yes, sir. Everyone, should I stop sharing? हो गया सबका लिख के? Yes, sir. Okay. So, before I conclude, I hope आज का लेक्चर समझा सब लोगों को. Yes, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, and I would really appreciate that if you all are unmuting and answering. आज का लेक्चर सब लोगों को समझा ना? Everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, so, sir. Okay. So, आज हम लोग ने क्या देखा? We started with definition of computer network. Then we came towards what are the different devices. We initially started with ways of communication, types of communication, internet, intranet, extranet. Then we came on the devices and then on the topology. So for today, since it was our first lecture, we would stop. We would now continue in the next lecture, that is next Thursday as per our schedule. And please have a habit of keeping multicolored pens because next lecture mein wapas diagrams badhenge, diagrams aayenge. And I aim to complete chapter number 1 in the coming next lecture itself. So I hope aaj ka lecture sab logo ko samjhaya. Everyone, till then, take care. Have a good night. Stay safe. Thank you. So we can conclude today's session. I'll be the last person to leave. Jis kisi ko doubt hai, please unmute and ask. Jis ko doubt nahi hai, they can start leaving one by one. Thank you, sir. Thank you. Hoping to see you, all of you, in our next lecture. Anirudh, gate madhe you'll be facing MCQs specifically on data link layer and network layer and transport layer. That is chapter 3, 4, 5. Reference book you can go for Tenenbaum or you can go for TCP/IP protocol stood by Forozone. I'll just tell you the textbook by next lecture. But then as conveyed to you, your notebook and our notes would be more than sufficient for CN. Okay, as a teacher, I would never discourage you for referring the textbook, but everything would be there in this notes and our notebook. Still, other than that, you can refer Computer Network by Andrew Tenenbaum and Computer TCP/IP Protocol stood by Forozone. Sir, can you tell the name of first one again? I'll just share the screen and I'll write it down. CN by Andrew Tenenbaum. And TCP/IP suite. Forozone. Language wise, this is the best one, the second one. Sir, the Viva question that you have written, how to implement bidirectional ring, what should be the answer here? Rather than having a single implementation of a ring, have a double implementation of a ring. Okay, thank you, sir. Most welcome. Thank you, sir. Bye. Bye. Bye, Pranav. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you. Bye-bye. So all those who are still in the room, if you have any doubt, please unmute and ask. Akhil. Bye. Yes. Aniruddha, Anujit, Anushka, Bharat, Madhura, Mohit, any doubt? Rishikesh, Siddhi, Soham, Srinivas.
So let's conclude then. Subodh ji, we can conclude. Thank you, everyone. Good night.